निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, कल के लिए ऑप्शन चेन लेता जानेंगे, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है ये जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे किस तरह से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या बन के निकल के आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में जिसकी मदद से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, अगर हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम कर दे तो इंट्राडे के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम फ्रेम होता है दोस्तों। अगर आप इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो निफ्टी में मैंने जो है लेवल बना रखे हैं। निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस 19,778 का है, अगर इसे ब्रेक कर जाती है निफ्टी अपसाइड तो हमें निफ्टी में 19,820 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे कल के दिन। निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है 19,723, दूसरा सपोर्ट है 19,666 का लेवल। अगर निफ्टी समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है, पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा 19,723 का, दूसरा सपोर्ट है 19,666 का लेवल। अगर 666 को भी निफ्टी ब्रेक कर जाती है तो नीचे हमें और जो है 80-90 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आराम से आप जो है नीचे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी में, 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लेते हैं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि निफ्टी में जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे मुझे एम पैटर्न नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये एम पैटर्न अच्छा खासा नज़र आ रहा है मुझे, और नेक लाइन का जो ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पे हमने जो है निफ्टी एक रिट्रेसमेंट ले रही है। इस तरह से अगर हम देखें एम पैटर्न इस तरह से बन रहा है और यहाँ पर निफ्टी का रिट्रेसमेंट हुआ है और उसके बाद जो है निफ्टी डाउन साइड आने के लिए रेडी हो रही है। आज के दिन निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज थी, हमने यहाँ पे निफ्टी में प्रॉफिट बनाया छोटा सा, ज़्यादा निफ्टी में प्रॉफिट नहीं बना पाए क्योंकि निफ्टी जो है साइडवेज थी आज पूरा दिन और कुछ मूवमेंट ज़्यादा मिले नहीं निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का चांस था दोस्तों। अगर आज के दिन बैंक निफ्टी में जिसने भी ट्रेड लिया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, पुट साइड और कॉल साइड दोनों ही साइड बहुत ही अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिया है। चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। समझ लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होकर अप ट्रेंड में निकलती है। पहला रेजिस्टेंस हमारा बैंक निफ्टी में 45,658 का होने वाला है, और अगर बैंक निफ्टी समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड निकलती है, पहला सपोर्ट हमारा 45,325 का होने वाला है, दूसरा सपोर्ट हमारे पास ये वाला लेवल है 45,136 का लेवल। अगर इसे भी ब्रेक कर जाती है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट अचीव कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर आप बिगनर्स हैं तो। चलिए अभी ये लेवल मैंने बता दिया बैंक निफ्टी का, अगर अपट्रेंड में निकलती है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी 45,800 तक के लेवल आपको दिखा सकती है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड निकलती है तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है ऊपर की तरफ। ओके चलिए अब इसे हम लगा लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हमें क्या नज़र आ रहा है वो देखना भी ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस करते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस आपको करनी चाहिए, सीखनी चाहिए किस तरह से एनालिसिस की जाती है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो जो है बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एम पैटर्न यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से अगर हम एम पैटर्न बनाएं, और नेक लाइन का जो है ब्रेकडाउन हो चुका है, आप देख पा रहे हैं नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है और बैंक निफ्टी यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने जा रही है, और रिट्रेसमेंट लेके जो है बैंक निफ्टी इस तरह से डाउन साइड आ सकती है। बिल्कुल अच्छा खासा प्राइजेक्शन दोस्तों यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से बैंक निफ्टी यहाँ पर प्राइजेक्शन बना रही है और यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले रही है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें कल के दिन डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, ये वाला जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होता है, और समझ लीजिए बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में निकल जाती है तो ये जो है एम पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, इसे फॉलो नहीं करेंगे, हम फिर कॉल साइड बैठेंगे। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही हम यहाँ पर क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं और कॉल साइड बैठ सकते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस थी चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, कहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा मैंने ओपन कर रखा है, 19,749 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा खासा OI बना हुआ है निफ्टी में वो अगर हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे 19,700 पे अच्छा खासा OI, और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है
ये जो लेवल है वो है 19,900 का, और यहाँ पे भी अच्छा खासा OI नज़र आ रहा है जो लेवल है यहाँ पे 19,800 का। तो ये तीनों लेवल जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे निफ्टी में काम करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया OI बना हुआ है यहाँ पे। इस तरफ अगर हम देखें तो 19,600 पे भी अच्छा खासा OI हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर हम देखें 19,500 पे हर एक 100 पॉइंट पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे निफ्टी में नज़र आ रहे हैं, तो आप 100 पॉइंट का प्रॉफिट बिल्कुल निकाल सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में। और ये जो डेटा है वो लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, तो आपको किस तरह से लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना होता है ये मैं हर एक वीडियो में सिखाती रहती हूँ, आपको समझाती रहती हूँ, ताकि आप लाइव मार्केट में इस डेटा का यूज़ करके इसे ऑब्जर्व करके अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल पाओ। चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों किस तरह से ऑप्शन चेन डेटा को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व किया जाता है और किस तरह से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं लाइव मार्केट में। इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ये वीडियो। 9 AMA की वीडियो, ट्रैप से किस तरह से बचा जाए, फेक ब्रेकआउट से किस तरह से बचा जाए, इस वीडियो को भी, 50 EMA की वीडियो को भी, और ये मंथली स्ट्रैटेजी की वीडियो को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ये सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी और बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया हुआ है, अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, बिल्कुल जाके देखिए बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है आज के दिन, अगर हम यहाँ पे OI देखें तो कहाँ पे बढ़िया OI बन रहा है। क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी का आया है 45,410 पे, और अगर बैंक निफ्टी में हम OI देखें तो हमें मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के दिन कहाँ पे बन रहा है। लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, तो लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना होता है दोस्तों। 45,000 पे अच्छा खासा OI मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और अगर इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे इस लेवल पे बहुत ही अच्छा OI मुझे नज़र आ रहा है 45,500 पे, और इस तरफ हम 45,800 पे अच्छा खासा OI नज़र आ रहा है। तो ये लेवल जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे बैंक निफ्टी में काम करेंगे कल के दिन, जो भी होता है लाइव मार्केट में पता चलेगा दोस्तों, लाइव मार्केट में भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे के सारे जो है राइटर्स भागे हैं, कल के दिन क्या होता है देखते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाती है तो यहाँ पे जो है सारे ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में निकल जाती है तो ये सारे जो है राइटर्स यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं। तो कहाँ पे ट्रैप होते हैं वो हमें लाइव मार्केट में ही पता चलेगा, किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, क्या एनालिसिस होती है वो मैं आपको हर एक वीडियो में सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके, और जो है खुद से सीख के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, उनको किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों।